हाय एवरीवन, दिस इज राजनंदन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग अनफोल्ड। सो आज का जो हमारा वीडियो है कि ये क्रेडिट कार्ड अपग्रेड को लेकर के है। अगेन क्रेडिट कार्ड जो है ये HDFC का क्रेडिट कार्ड है और अभी फिलहाल एक दो दिन से मतलब HDFC जो है मतलब रिग्रस अभी सभी को ऑफर भेज रहा है। जितना भी कस्टमर जो पहले से यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, उन लोगों को मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू आप लोगों को नोटिफाई कर रहा होगा कि मतलब आप लोग एलिजिबल हो क्रेडिट कार्ड अपग्रेड को लेकर के। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों ने लाइफ टाइम फ्री ऑफर के तहत में अगर आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड लिया है तो अगर क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करवा लोगे तो इन फ्यूचर उसका क्या होगा, और जो भी अपग्रेड का प्रोसेस है प्रोसेस हम लोग जानेंगे, और मतलब जो भी चार्जेस वगैरह क्या कुछ लगेंगे कि क्या नहीं लगेंगे, मतलब एज अ ज्वाइनिंग फीस वगैरह, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सो इसी नोट के साथ हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि मतलब HDFC अपग्रेड के पीछे मतलब पूरा टर्म्स एंड कंडीशन HDFC के तरफ से मतलब क्या है। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल। सो नाउ ये जो पूरा एग्जांपल ये मेरे ऊपर रहेगा, मुझे कौन सा ऑफर दिया गया था, क्योंकि मेरे पास एन नंबर ऑफ अभी एग्जांपल अभी पड़े हुए हैं। लाइक अगर आपके पास मनी बैक क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए मतलब आप लोग को अपग्रेड के तौर पे मनी बैक प्लस दिया जा रहा है, या तो किसी के पास मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है तो उसको रिगालिया वगैरह का क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। तो मैं जो इसका एग्जाम्पल वगैरह यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह के जरिए आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दूंगा, बट ये जो एग्जाम्पल है मतलब ये प्रॉपर ये मेरे को जो ऑफर जनरेट होकर के मिला हुआ है ये इसके ऊपर है। तो हम लोग देखेंगे लाइक मेरे पास मनी बैक क्रेडिट कार्ड है और ये जो अपग्रेड मुझे करके देंगे ये मिलिनिया क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। अगेन ये जो क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि लाइफ टाइम फ्री ऑफर का क्या होगा अगर आप लोगों ने लाइफ टाइम फ्री ऑफर के तहत में क्रेडिट कार्ड लिया है तो, और वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका रिप्लाई दे सकते हो, क्योंकि इसके एंड में या तो वीडियो के एंड में मैं तो ऑब्वियसली आंसर आप लोगों को दे दूंगा। सो चलते हैं, देखते हैं कि मतलब इसका फुल प्रोसेस क्या रहने वाला है। नाउ आप देख सकते हो ऐसा ईमेल के थ्रू ये लोग नोटिफाई कर रहे हैं कि मतलब राजनंदन गणेश पूजा के तौर पर आप लोगों को मतलब क्रेडिट कार्ड अपग्रेड का मतलब ऑफर दिया जा रहा है, और अगेन बेटर रिवॉर्ड है, बेटर बेनिफिट है आप लोगों को करेंट क्रेडिट कार्ड से। और ये जो मतलब क्रेडिट कार्ड यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मिलिनिया क्रेडिट कार्ड पे, मतलब ये लोग अपग्रेड करके देंगे मेरा जो करंट क्रेडिट कार्ड है मनी बैक क्रेडिट कार्ड है। और जो भी मतलब ये है अगर आप लोगों को अगर पसंद होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ इंजॉय मोर तीन मतलब ये लोग मतलब आप लोगों को बेनिफिट बता रहे हैं कि मतलब आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट होगा, तो लाइक तीन बेनिफिट इन लोगों ने मतलब मेंशन करके रखा हुआ कि आप लोगों को रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा इसमें, अगेन कैशबैक भी इसमें अच्छा मिलेगा और लॉन्ज एक्सेस मिलेगा इसमें, क्योंकि मतलब मनी बैक में कोई लॉन्ज एक्सेस आप लोगों को मिलता है नहीं तो इसमें आप लोगों को लॉन्ज एक्सेस मिलेगा। तो अगेन ये आपके ऊपर है, मतलब आप लोग करवाना चाहोगे चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो अगेन यहाँ पर चेक डिटेल में आप लोग जा करके आगे इनका क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप लोग देख सकते हो। तो इसमें क्लिक कर लेना चेक डिटेल पर। अगेन चेक डिटेल पर अगर आओगे तो ये माइक HDFC का माई कार्ड के जो वेबसाइट है इस पर आप लोग नेविगेट कर जाओगे। तो इसमें आप लोग को क्या करने का है कि इसमें आप लोग रजिस्टर मोबाइल नंबर आप लोग को इंटर कर लेना है, जो HDFC क्रेडिट कार्ड के मतलब रजिस्टर मोबाइल नंबर है, मतलब HDFC क्रेडिट कार्ड को जो मोबाइल नंबर आप लोग ने रजिस्टर किया हुआ है सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है, और क्रेडिट कार्ड का लास्ट चार डिजिट आप लोगों को इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप लोगों का गेट OTP जो है इस पर क्लिक कर लेना है। तो गेट OTP पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को नेक्स्ट पेज में नेविगेट करके मतलब ले जाया जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ होगा उसे आप लोगों को सिंपली यहाँ पर इंटर कर लेना है, और आइडेंटिफाई योरसेल्फ जो है इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अगेन आइडेंटिफाई योरसेल्फ पे क्लिक कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ समय का टाइम लेगा, यहाँ पर अगेन लोडिंग हो रहा है, वेट कर लेना है। यहाँ पर वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हो मतलब ये पूरा एक माई कार्ड का एक इंटरफेस खुल करके आता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्लैश नोटिफिकेशन यहाँ पर शो हो रहा है। लाइक यहाँ पर एक सेकेंड मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नो एडिशनल कॉस्ट, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा इसमें, 2 मिनट का टाइम लगेगा, और कोई डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों से रिक्वायरमेंट नहीं लेगा इसमें। तो आप लोग इसे मतलब आप लोगों को सिंपली इसे जो है यहाँ पर क्रॉस बटन रहेगा, क्रॉस बटन में क्लिक करके इसे मतलब क्लोज कर लेना है, मतलब और जो भी इसका मेन पेज है मतलब इस पर आप लोग आ जाओगे। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, ये देख सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट किया हूँ आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। ये देखो ये जो अभी करंट क्रेडिट कार्ड है ये मेरा मनी बैक क्रेडिट कार्ड है, और ये अपग्रेड करके दे रहे हैं मिलिनिया क्रेडिट कार्ड को लेकर के। और अगेन इसका जो फीस है यहाँ पर आप देख सकते हो, और क्या पॉइंट ट्रांसफ़र में क्या मतलब इसका क्राइटेरिया वगैरह रहेगा, तो ये सब है।
तो इसे मैं अब जूम इन करके आप लोगों को सिंपली आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि मतलब क्या क्या मतलब इनका बेसिक मतलब चेक्स और बैलेंस रहेगा। एक सेकेंड पेन ले लूँ मैं। नाउ आप लोग देख सकते हो ये मेरा अभी करेंट का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अपग्रेड करके दे रहे हैं मिलीनिया में, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन लोगों का मतलब एक खेल शुरू हो रहा है, मतलब एनुअल फीस जो है ये जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1000 ले रहे हैं। आई एग्री कि मतलब ये पहला जो 12 मंथ है 12 मंथ आप लोगों का फ्री रहेगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों से चार्ज लिया जाएगा। अगर आप लोगों को वेव ऑफ करवाना रहेगा तो ईयरली मतलब आप लोगों को 1 लाख रुपया खर्चा करना होगा, तभी आप लोग जो ये बोल सकते हो कि मतलब 1000 है इसे आप लोग मतलब रोल बैक करवा पाओगे। नहीं तो अगर आप लोग 1000 अगर स्पेंड नहीं कर पा रहे हो तो ये पैसा आप लोगों को लगेगा ही लगेगा। और जो पॉइंट ट्रांसफ़र है, जो अभी आपका करेंट पॉइंट है, उसका मतलब 25% आप लोगों का मतलब ये रहेगा। और जो भी है, एक सेकेंड, नाउ ये आपका जो भी अभी करंट पॉइंट वगैरह अभी चल रहा है वो पूरा मतलब टोटल यहाँ पर लिखा हुआ, सिंपली आप लोग देख सकते हो, टोटल वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट विल रिमेन द सेम। जो भी आप लोगों ने अभी तक मतलब रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किया हो रहेगा उसका वैल्यू में कोई चेंजेस वगैरह नहीं होंगे। अब बट पॉइंट ट्रांसफर को लेकर के 25% यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो भी आपका कार्ड रहेगा ये नीचे के आपका डिलीवरी एड्रेस जो रहेगा वहाँ पर आप लोगों को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो अगेन जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप लोगों ने अगर लाइफ टाइम फ्री के तहत पे अगर क्रेडिट कार्ड लिए है तो मतलब उसका मतलब क्या होगा, मतलब वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो ये मतलब शुरू के तो 12 महीने आप लोगों को दिया जाएगा, मतलब आप लोग आराम से यूज़ वगैरह कर सकते हो एट 0 चार्जेस। बट 12 मंथ के बाद अगर आप लोग 1 लाख अगर स्पेंड कर लोगे तो ही मतलब आप लोगों को जो 1000 का चार्ज है ये नहीं लगेगा। अगेन 1000+18% GST भी होता है इसमें, तो मतलब लगभग 1200 रुपये तक में लगभग आप लोगों को चार्जेस लगेंगे अगर 1 लाख रुपये से पहले मतलब अगर ज़्यादा आप लोग खर्चा नहीं कर पाओगे तो। तो अगेन जो लाइफ टाइम फ्री ऑफर है ये मतलब मुझे तो लग रहा है कि मतलब ये जो कंडीशन है इसके तहत में मतलब लाइफ टाइम फ्री ऑफर आप लोगों को मतलब एंड हो जाएगा यहाँ से। इसीलिए मतलब ये जो अभी मतलब रेगरस अभी सभी को भेज रहे हैं मतलब अपग्रेड को लेकर के, मतलब इसी बहाने मतलब कोई कस्टमर को अगर अपग्रेड कर लोगे कर लेगा तो जो इसका मतलब लाइफ टाइम फ्री ऑफर है, मतलब जो बैंक को पैसा नहीं देना पड़ता है इसी के तहत में मतलब उस लोगों को पैसा मतलब खींच लेगा बैंक। तो अगेन ये आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग अपने प्रेजेंट के क्रेडिट कार्ड से आप लोग संतुष्ट नहीं हो तो आप लोग क्रेडिट कार्ड का जो अपग्रेड का ऑप्शन है इसे आप लोग चूज़ कर सकते हो। बट अगर आप लोग अपने प्रेजेंट क्रेडिट कार्ड से मतलब सेटिस्फाई हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि मतलब इसे अवॉइड करने का, क्योंकि आप लोगों के पास और भी कोई क्रेडिट कार्ड होगा लाइक फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ICICI का अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड, और भी बहुत सारे मतलब एन नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड है जो लॉन्ज एक्सेस और मतलब बेटर रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह देते हैं। बट अगर लाइफ टाइम फ्री ऑफर अब आप लोग छोड़ करके अगर इसमें जाओगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों का मूर्खता रहेगा। तो अगेन मैं देख आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि मतलब आगे अगर इससे भी अगर आगे आप लोग नेविगेट करोगे तो मतलब क्या ऑप्शन दिया जाएगा आप लोगों को। नाउ मैं जैसे नीचे स्क्रॉल किया तो इस पे इसके आगे कुछ खास मतलब और कुछ स्क्रीन मुझे या तो पेजेस या तो नोटिफिकेशन मुझे नहीं दिखे हैं। बट अगेन ये जो मतलब नोटिफिकेशन है मतलब ये फाइनल रहेगा, इसके बाद आप लोगों को सिंपली एक्सेप्ट द ऑफर पे आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा। मैं एक बार जूम इन कर दे रहा हूँ आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ डिड HDFC बैंक रिप्रेजेंटेटिव हेल्प यू, तो सिंपली आप लोगों को नो पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर सिंपली जो आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन है इस पर क्लिक करके सिंपली एक्सेप्ट द ऑफर पे क्लिक कर लेना है। और विद इन 7 to 10 वर्किंग डे जो भी आप लोगों का अपग्रेडेड क्रेडिट कार्ड है या आपके रजिस्टर जो यहाँ पर एड्रेस रहेगा उस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में जो क्रेडिट कार्ड अपग्रेड को लेकर के पूरा फुल प्रोसेस था मैंने बता दिया। और अगेन क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगेन इट्स योर कॉल, क्योंकि मैंने यहाँ से मतलब स्टॉप कर लिया था, मतलब यहाँ इसके बाद मैंने कोई प्रोसीड वगैरह नहीं किया। रीज़न बींग कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मैंने इसे मतलब किया हुआ था, जो इसका क्राइटेरिया को फुलफिल करके मैंने लाइफ टाइम फ्री बना लिया था इसे। बट अगेन अगर मैं इसको अपग्रेड कर लूँगा मिलेनिया में तो जो लाइफ टाइम फ्री का ऑफर ये मतलब नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन इसके अकॉर्डिंग तो मुझे एकदम 110% लग रहा है कि नल एंड वॉइड होगा। और जो 12 मंथ के बाद जो चार्जेस वगैरह है मुझे लगभग 1200 रुपये देने पड़ेंगे अगर 1 लाख से मतलब 1 लाख या तो 1 लाख से ऊपर अगर मैं स्पेंड नहीं कर पाता हूँ क्रेडिट कार्ड पे लेकर के। तो इस वीडियो में बस यही था।
इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसका जो मतलब आप लोग बोल सकते हो जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब अच्छे खासे यूज़र तक पहुँचाएँ। तो इसी नोट के साथ दिस इज़ राजनंदन सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।